बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेदर फोरकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि आज बारिश का इम्कान है, जैसे कि न्यू सिलसिले बन रहे हैं और इन सिलसिलों से बारिशें होंगी। कुछ मुकामात पर तेज़ बारिश होगी, कुछ मुकामात पर हल्की बारिश होगी और कुछ मुकामात पर बारिश नहीं भी होगी। ख़ास तौर पर अंदरून सिंध के जो मुकामात हैं, कराची के जो इलाके हैं, बारिश का इम्कान है। और इसके अलावा जैसे पंजाब के जो भलाई और वस्ती इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के भलाई और वस्ती इलाके, और कश्मीर के जो मुकामात हैं, बलूचिस्तान के जो मुकामात हैं, पहाड़ी जो इलाके हैं, बर्फ़बारी का इम्कान है, सालाबारी होगी, कहीं तेज़ बारिश तो कहीं हल्की बारिश, कहीं तूफ़ानी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ज़्यादा जो बारिशों का रुख है वो अंदरून सिंध के जो मुकामात हैं और जो कराची में ख़ास तौर पर बारिश का इम्कान है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं और मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके शहर में बारिश हो रही है तब भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी इंसिडेंट होता है वो भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ही बारिशें स्टार्ट होती हैं तो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर बेहद ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर जैसे कि गीले बटन पर आप हाथ ना लगाएं, तेज़ हवाएं और चक्कर चलते हैं तो साइन बोर्ड वगैरह गिरने का ख़तरा होता है। और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो नदियां नाले बह जाते हैं, गटर भर जाते हैं, तो पता नहीं चलता कौन सा गटर कहाँ पर है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और काफ़ी इंसिडेंट होते हैं। तो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो करें। बच्चों को बारिश में कम नहाने दें, क्योंकि ज़्यादा बारिश में नहाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर।